दोस्तों, 4 में 5 का भाग कैसे दें? सर्वप्रथम इसको हम लिखना सीखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 भाग 5 या 4/5। देखिए दोस्तों, सिंपल है। ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जिसमें भाग देना है दोस्तों इसको यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर ऐसा चिन्ह। किसका दे रहे हैं? 5 का। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी संख्या में भाग कब दे पाते हैं? ध्यान से सुनो, जब वह संख्या क्या हो, जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं उससे बड़ी हो। यहाँ पे किसका भाग दे रहे हैं? 5 का। तो क्या यह संख्या 5 से बड़ी है? आप कहेंगे नहीं, मतलब भाग नहीं दे सकते हैं फिर तो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका पॉइंट लगाते हैं। जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो इसके साथ हम 1 0 लिख सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों अंकों को एक साथ शामिल कर लें तो ये कितना बन गया? 40। क्या है? 5 से बड़ी संख्या मिल गई, मतलब भाग दे सकते हैं। चलिए भाग देते हैं। 5 का पहाड़ा दोस्तों, हम कितनी बार बोलें कि आपका 40 से बड़ी संख्या ना आए, उस संख्या को हम लेते हैं, यानी उतनी बार पहाड़ा हम लेते हैं। चलिए 5 का पहाड़ा बोलते हैं। 1 पंजो 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 उड़ी 25, 6 पंजा 30, 7 पंजा 35, 8 पंजा आपका 40। देखिए, 8 बार जब मैं पहाड़ा बोला तो मुझे 40 मिल रहा है। जब सेम संख्या मिल गई तो कोई दूसरी दिक्कत ही नहीं है। भाग कितनी बार जाएगा? जितनी बार पहाड़ा बोलेंगे। जो संख्या आ रहा है वो हमें यहाँ लिखना है। फिर हम इसको माइनस किए, 40 माइनस 40 आपका 0 आ गया। यहाँ पे ये आपका 0 सेंसफल बन गया, ठीक है। और 0.8 आपका यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों? भागफल बन गया। यानी 4/5 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 0.8 लिखेंगे। ओके, क्लियर है? आसान है। धन्यवाद।